तो दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाल ही में आई एक्शन क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री सीरीज कैट को। तो इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड आए हैं, जिसमें से हम इस वीडियो में एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देते हुए आगे बढ़। दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत 1990 के दशक पंजाब से होते हैं। अलगाववादी गुट अपना अलग देश की मांग कर रहा था। बगावत के आग पूरे पंजाब को जला रहा होता है। दो अलगाववादी गुट को देखते हैं जो हथियार के व्यापार कर रहा होता है। वहीं पर गैरी नाम के एक लड़का भी एक गुट से रहता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है। दोनों तरफ से गोली बारूद भी चलता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और कुछ पकड़े भी जाते हैं। पुलिस टीम को उस समय शहदाव सिंह लीड कर रहा होता है और इस मीटिंग का इन्फॉर्मेशन वही गैरी नाम के लड़का पुलिस को दिया था। आखिर वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को क्यों दिया था? तो उसी गुट के एक आदमी ने गैरी के माँ बाप को मार दिया था, जो आप लोगों को अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए वह कैट बनकर गैंग में शामिल हुआ था और इन्फॉर्मेशन देता था। इसके बाद इंस्पेक्टर सहबाग सिंह गैरी को नाम बदल कर गुरनाम सिंह रख देता है और गुरनाम को छोटा भाई हनी और बहन रमन के साथ एक दूसरे गांव में घर दिलवा देता है और वहां रख देता है, ताकि इस सब प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि प्रॉब्लम आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट 2006 में आता है। गुरनाम सिंह अपने भाई सनी के साथ रहता है और बहन रमन की शादी हो गई है, जो अभी कनाडा में सेटल है। गुरनाम सिंह चाय बनाता है और अपने भाई को पीने को लिए देता है और मन लगाकर पढ़ने को कहता है, और फिर अपने काम पर चला जाता है, जो अभी मोटर मैकेनिक के काम करता है। गुरनाम सिंह यानी कि अपने भाई को जाते ही सनी अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाता है और माल लेकर हॉस्टल के बाहर आने को कहता है, और वह भी गाड़ी से चला जाता है। इसके बाद इंडिया पाक बॉर्डर को देखते हैं, जहाँ दो बंदा एक खुफिया रास्ता से होकर पाकिस्तान आर्मी बेस पर जाता है। वहां से एक बंदा एक ऑफिसर से ड्रग्स लेकर आता है और एक लंगड़े मुख्तियार नाम के आदमी को देता है। लंगड़ा आदमी दूध के कैन में डाल करके और भी रास्ते में कई जगहों से माल उठाता है और पुलिस के पैसा खिलाकर सीधा औलक मैडम के राइस मिल में लाडी नाम के आदमी के पास पहुँचता है, जो औलक मैडम के खास आदमी रहता है। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कुछ ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए लैब में एक लड़की को देता है। वही लड़की उसमें से एक पैकेट चुरा कर अपने बैग में रख लेती है। फिर शाम को एक पार्टी देखते हैं, जहां एक बहुत फेमस सिंगर रॉकी नाम के आया रहता है, जहाँ सोनी और उसकी गर्लफ्रेंड ड्रग्स बेच रहा होता है। तभी वहाँ पर लाडी आदमी आता है ड्रग्स बेचने के लिए, लेकिन वहाँ पहले ही कोई बेच दिया था। लाडी के सभी आदमी उसे खोजने लगते हैं। वहीं औलक मैडम की बेटी स्टेज पर चढ़ के गोली चला देती है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है। उसी में सनी भी पकड़ा जाता है पुलिस के हाथों। कल होके गुरनाम सिंह के पास कॉल आता है थाना से। थाना पहुँचता है तो सनी को जेल में ले जा रहा होता है। तो गुरनाम कुछ ये कहते हैं, ओ सनी, तू चिंता ना करना, मैं करता हूँ कुछ। फिर गुरनाम एक वकील के पास जाता है, जो बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के समय कुछ भी नहीं बताने को कहना और 5,000 एडवांस जमा कर दो और बाकी सब मैं देख लूंगा। गुरनाम पैसा जमा करके चला जाता है। इसके बाद औलक मैडम को देखते हैं, जो वर्तमान की विधायक है और एक कबड्डी के टूर्नामेंट में आई होती है। औलक मैडम SSP साहब से कहती है कि चुनाव नजदीक आ गए हैं और जनता के मन में मेरे खिलाफ काफी सवाल उठ खड़े हैं, उसे दबाने के लिए आप मेरे एक बंदा पर रेड मारिए, ताकि मीडिया के जरिए इसका फायदा मुझे इलेक्शन में हो सके। अगले दिन पुलिस लाडी को पकड़ने के लिए उसके जिम में आता है और कुछ ड्रग्स और गन के साथ बड़े ही प्यार से पकड़ के ले जाता है, जिसे सहबाग सिंह और जूनियर चंदन कुमार पकड़ कर ले जाता है। पर बबीता को यह सब बहुत खराब लगता है। SSP साहब मीडिया को बताते हैं और अपना क्रेडिट लेते हैं। वहीं टीवी पर गुरनाम सहबाग सिंह को देखता है और फौरन उसके पास
जाता है। पहले तो नहीं पहचानता है, पर कैट नाम बताते ही झट से पहचान लेता है और मम्मी को बचाने के बारे में बात करता है और चला जाता है। शाम को सहबाग से और जूनियर चंदन कुमार एक पार्टी में होता है, कुछ खा पी रहा होता है। अभी वहाँ SSP साहब आता है, कुछ ऐसे बेइज्जती करते हैं। सालों भिखमंगो, जहाँ फ्री की मिली वहीं पीना शुरू। वहीं पर औलक मैडम भी आती है, जो अपने ऑपोजिशन वाले को जग्गी प्रधान को आना मारते हुए फोटो खिंचाती है और चले जाती है। अभी सहबाग सिंह को गुरनाम का कॉल आता है और कुछ सोचने के बाद सहबाग सिंह जग्गी प्रधान के पास जाता है और उसे बताता है कि अगर आपको सत्ता में आना है तो आपको मैडम को हराना होगा, और वो रेड मारने उड़ने से नहीं होगा बल्कि साबित करने से होगा, और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। जग्गी प्रधान मान जाता है क्योंकि भाई उसको तो सत्ता में आना होता है ना। इसके बाद सहबाग सिंह गुरनाम के पास आता है और मैडम ओला को हराने और ड्रग्स के धंधा बंद कराने के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये सारे ड्रग्स के धंधा मैडम ओला की करवा रही होती है सत्ता में बैठे बैठे, और कोई उसका कुछ भी नहीं कर रहा होता है। और इस सब को ख़त्म करने के लिए इकलौता उपाय होता है, जो कि हम लोगों ने 1990 के समय में किया था आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। और उसे ख़त्म करने के लिए तुम्हें एक बार फिर से कैट बनना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड 2 में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि यह एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।